हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा, मार्केट में अच्छा पैसा बना होगा आफ्टर अ वेरी वेरी बिग गैप डाउन। कुछ लोगों के अकाउंट में है सिस्टम बिल्कुल और बिल्कुल लाल जी। वो लोग जो गैन रूल के ऊपर चल रहे हैं और गैन रूल पर विश्वास करके ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, दिल से लगा, वो लोग अभी लाल हैं। उन लोगों में मेरा नाम भी आता है क्योंकि मैं भी पोजीशन को होल्ड करके बैठा हूं और मेरा अभी भी विश्वास है कि बाय फ्राइडे मार्केट विल ब्रेक दी हाई ऑफ 40। फ्राइडे का हाई जो भी है यार, अभी देख लेते क्या है वो, 46,310, ठीक है, ये लेवल मार्केट तोड़ने वाला है, 19,220 ये मार्केट तोड़ने वाला। दिस इज आवर टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। क्यों, कैसे, कब, कहां, इस वीडियो के एंड तक आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। गैन रूल तो है ही, साथ के साथ में मल्टीपल कंफर्मेशंस भी हैं, तो इस वीडियो को एंड तक मत देखिएगा। टाइम नहीं है तो इस वीडियो को करो पॉज, वॉच लेटर लिस्ट में डाल दो लाइक करने के बाद, और हैंड्स फ्री लगा के जब आपके पास टाइम हो तब आप सुन सकते हो। वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त, वो मेरे जानकार और फॉलो करने वाले जो फ्री हैं आराम से सुन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मार्केट बहुत ही अच्छा रहा, मार्केट एक गैप डाउन दिया और हमारा वेडनेसडे का रूल क्या बोलता है, हमारा वेडनेसडे का रूल बोलता है भाई अगर गैप अप हो रहा है तो खुलते के साथ में क्या ले लो, खुलते के साथ ही पुट ले लो, और अगर बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो क्या करो, खुलते के साथ में क्या ले लो, कॉल ले लो। व्हाट इज द टारगेट, गैप भरा जाएगा, गैप भरा जाएगा। लेकिन भाई जब गैप 400 पॉइंट का हो ना तो भरने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई जिन्होंने गैप खुलते के साथ में ही बाय किया, यहां से लेकर ऊपर तक देखूं तो गाइस 200 पॉइंट्स ओपनिंग में ही आपको मिल गए होंगे। इसमें से अगर आपने 200 बुक किए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि काफी मेरे जो दोस्त होते हैं ना वो 100 से 150 पॉइंट का टारगेट लेके निकल सकते हो, ठीक है, अगर आप निकल गए तो ठीक। लेकिन जब मार्केट यहां से वापस घूम के वापस आने लगा ना, इतने समझदार तो आपको हो जाना है कि कॉस्ट पे निकल जाओ मेरे भाई, कॉस्ट पे निकल जाओ, लॉस तो मत लो। 200 पॉइंट आने के बाद, प्रॉफिट में आने के बाद मार्केट वापस आ रही है और आप होल्ड करके बैठे हो तो आप गलत हो, तो आप गलत हो। अगर आप समझदार होंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, 50-50 पॉइंट करके भी अगर ट्रेल करते तो भी आप 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट पे निकलते। तो हमारे वेडनेसडे वाले रूल ने क्या हमें प्रॉफिट दिया, बिल्कुल दिया। साथ के साथ गाइस, कल हमने अपनी एप्लीकेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया कॉल्ड BNF ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ मैंने आपको अवेलेबल कराई है। और इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको BNF की स्ट्रैटेजी मिल रही है। ये स्ट्रैटेजी डेली काम करती है, इट्स नॉट फॉर एनी वन डे, बैंक निफ्टी पर डेली काम करती है, बहुत खूबसूरत तरीके से काम करती है। आज भी इसने प्रॉफिट दिया, साथ के साथ में इसके अंदर एक आपको बोनस भी दिया है जो कि FMT जो फ्राइडे की स्पेशल स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने इसके अंदर दी है, दोनों के दोनों। आज रात को हमारा एक डाउट सेशन होगा, जितने लोगों ने इसको परचेस किया अगर आपके कोई डाउट है तो वो मैं एड्रेस करने वाला हूं ऑन जूम एप्लीकेशन के ऊपर, उसकी लिंक मिल जाएगी, तो शायद 9 बजे के आसपास हम वो सेशन करने वाले हैं। और उसके बाद में वो डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा कि जो लोग मिस कर पाएंगे डाउट सेशन वो ये वीडियो देखकर आराम से कर सकते हैं। भाई तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, लाइक तो बनता है, ठीक है, क्या आज पैसा बना, ये देखो ये हमारी ट्रेड बनी थी, यहां से हमें कितने पॉइंट्स मिले, ये मिले हमें 296 पॉइंट के आसपास, ठीक है। काफी लोगों ने जिन्होंने कल खरीदा था आज उनका पैसा कवर हो गया है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या काम आया मार्केट के अंदर गाइस, ये गैन 80 पॉइंट ऊपर की तरफ पूरे मिले, 80 पॉइंट नीचे की तरफ पूरे मिले। गैन टाइम अगर पसंद आ रहा हो, मजे आ रहे हो, चांग काम कर रहा हो आपके लिए, तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा, कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मैं, अगर आप कमेंट नहीं करते हो, नहीं बताते हो, तो मैं फिर इसको डिस्कंटिन्यू कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा भी टाइम लगता है, ठीक है, ये निकालने के लिए ना टाइम लगता है, कम से कम 15 मिनट जाते हैं
ऊपर नीचे इतना लेवल निकालने के लिए, अगर टाइम को अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ ये लेवल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मैं ये रेगुलर कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, लोग इसके पैसे देते हैं, आपको फ्री में दे रहा हूँ और बिना रुके डेली दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप उसको ट्रेड करना सीख गए हो तो भाई इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। 80-80 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, दो टाइम दे रहा हूँ बेसिकली, मेजर टाइम्स, एक भी नहीं दो टाइम्स, जिसके अंदर आपको 80 पॉइंट का रिवर्सल मिल रहा है। ठीक है, निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने भी बहुत अच्छा लेवल लेवल पे प्ले किया। हमारे ये लेवल टूटा, ये लेवल आया, ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, यहाँ पर सपोर्ट किया एंड लेवल पे, तो लेवल्स काम कर रहे हैं भाई खूबसूरत तरीके से। घनघोर ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, दोनों को करते हैं डिलीट और आ जाते हैं डेली कैंडल के ऊपर। पहले डेली कैंडल का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे लेवल्स की। तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़े गैप डाउन के बाद में एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ कैंडलस्टिक यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एचडीएफसी निफ्टी और चक्का मारता हूँ, देखो 50 पॉइंट ऊपर। भाई लो पर बाय कराया है तुम्हारे भाई ने, लो पर बाय कराया है, टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी एडवांस में डाल दिया था। अब अगर सर ये क्या बात कर रहे हो सर, कब कब करवाया, हमें कब बताया, तो ये लो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये चीज डाली थी कि नहीं डाली थी। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बताया, बैंक निफ्टी के अंदर ये एलियट में काम कर रही है और ये डाला था आपको 1:32 के आसपास कि भाई काम कर रही है, सचेत रहना, ये एलियट वेव है। और एलियट वेव वहीं से नीचे से बाउंस मारा है इसने, लेवल के पास से इसने बाउंस मारा है और आने वाले मैं तो मैक्सिमम बोल रहा हूं 7 to 10 days के अंदर, ठीक है मैक्स भाई ये गैप पे फिल हो जाएगा और ये हाई भी टूट जाएगा। तो मतलब मेरा आने के तो दो में आ जाएगा, लेकिन जो मेरा एक और फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो क्या बोलता है, 7 to 10 days के अंदर अंदर ये गैप फिल होना चाहिए। ठीक है, एक ही कंफर्मेशन बोलता है जो बुलिशनेस का कंफर्मेशन है। सेकंड, फिफ्थ वेव जो होती है वो थर्ड वेव के से भी ज्यादा तेजी से चलती है, तो ये वाला हाई टूटने के बाद ये गैप भरा जाएगा और ये इसका हाई भी टूटेगा और मार्केट 46,555 के लेवल की तरफ निकल रहेगा। इस तो 46,550 आपको बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, ये कैसे निकाली है अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये यहां से यहां तक, मैं इसको डिलीट कर दूं और आपको सिखा दूं एक तरीके से किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। यहां से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वेव जो होती है मैक्सिमम 61% तक आती है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये 61% तक तो नहीं आई, लेकिन कहां तक आई है, 50% से बाउंस मार गई, तो ये फर्स्ट वेव कंसिडर की जा सकती है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, जो एलियट वेव की थर्ड वेव होती है गाइस, नॉर्मल वेव जो होती है वो एक्सटेंडेड 1.61% तक जाती है, लेकिन एक्सटेंडेड जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, मैक्सिमम 2.618 तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम 2.618 और उसके बीच में कहीं से भी घुस सकती है। ये उससे थोड़ा सा पहले से घूम गई, वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं, घूमने दो। अब यहां से घूम गई, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो चल रही है चौथी वेव चल रही है, ये कितना जाती है गाइस, दिस वेव विल बी नॉर्मली 38%। और अगर एक्सटेंशन एक्सटेंशन खेल रहे हो, मतलब इसने भी एक्सटेंशन कर लिया, ये भी एक्सटेंशन करे, तो मैक्सिमम दिस कैन गो अप टू 50%। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि 50% से ज्यादा नीचे चली जाए। और अगर ये 50% के नीचे जाती है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, एलियट वेव गलत काउंट कर रहे हो, या एलियट वेव है नहीं, ये कुछ और है। ठीक है, सो मेरा पूर्ण विश्वास था कि भाई 50% से घूम जाने चाहिए। और यहां पर जब हमने फिबोनाची को लगा के देखा, यहां से हमने फिबोनाची लगा के देखा, तो ये क्या देखने को मिला कि मार्केट ने 50% के लेवल पर बाउंस ले सकते हैं, जो 50-60 के आसपास ना, बेसिकली नंबर 8263 है नंबर ऊपर की तरफ, जो भी है 266-263 के आसपास नंबर आता, छोटा सा पॉइंट रह गया। ठीक है, अक्सर ये रहता नहीं है, ये डाउट लेता है, लेकिन हाँ मैक्स क्या था, ये था, ये थोड़ा सा ऊपर से भी चला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आपका बाइंग ही बनता था। और कैंडल ने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, यहां पर 2RG पैटर्न बन रहा है। जो लोग मुझे मेरी नया BTST सेटअप जानते हैं, ये 2RG सेटअप बना मार्केट में गैप अप की, मैंने बोला था कि मार्केट कल गैप अप दे सकता है और मार्केट यहां से बाउंस मार के जब ऊपर की तरफ कल की तरफ जाने लगेगा बहुत जल्दी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट ये वाले लेवल बड़ी जल्दी ले आएगा। सो मुझे क्या दिख रहा है, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, मतलब कल की जो मेन एक्सपायरी है, बाकी सारी तो ऐसी धोखे वाली एक्सपायरी है, कल की मेन एक्सपायरी जो हमारी पुरानी एक्सपायरी होती थी थर्सडे की, थर्सडे एक्सपायरी प्लस फ्राइडे
एंड फ्राइडे मैंने आपको बताया था गाइस, फ्राइडे इज अ बूम बाम डे। फ्राइडे क्या है भाई? बूम बाम डे। इसके अंदर आपको काफी अच्छा ऑप्शन बायर्स को मौका मिलने वाला है बाइंग के लिए। बहुत अच्छा समीकरण बन रहा है और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी, गैन के हिसाब से भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो आपको एक अच्छा ट्रेंड, चाहे वो ऊपर मिले चाहे नीचे मिले, आपको बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये बोलता है एस्ट्रोनॉमी। लेकिन इसके हिसाब से समीकरण देखें तो ऊपर की वेव दिखाता है। तो यहाँ पर जो टारगेट ऊपर के दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 46,555 के आसपास के। तो एलईडी वेव को अगर मैं लगाने की कोशिश करूं, ये बना और ये बनी आपकी। नाउ ये पांचवी वेव कैसे निकलते हैं गाइस? ये जाती है 0.61%, सेकेंड वेव का लो, थर्ड वेव का हाई, और जहां तक मार्केट गई है वहां से अगर मैं मैच करूं तो ये 0.618% तक जाती है, और अगर ये मैक्सिमम जाती है तो 100% तक जाती है, विच कम्स टू दिस। और मुझे ये भी एक्सटेंशन होती हुई दिखाई दे रही है। और सारी सभी एक्सटेंशन खेल रहे हैं तो ये क्यों पीछे रहे भाई? क्यों, क्या बोलते हो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसको? पांचवी वेव को एक्सटेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि 47,347 के आसपास के नंबर दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा। ठीक है, ये हो गया। अब बोलोगे सर और क्या देख लिया आपने, जो इतने आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए? सर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में ये देखो, ये एक लाइन बन रही थी, ठीक है, जहां से मार्केट ने यहां से एक रिजेक्शन लिया नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ गई, दोबारा इसने एक डबल बॉटम बनाया और ऊपर चली गई, ये वापस मार्केट नीचे आई है। क्यों ये आई है? शर्मा जी का फेवरेट पैटर्न बनाने के लिए। कौन सा शर्मा जी का फेवरेट पैटर्न? यहां से अगर ये घूमती है तो ये कौन सा पैटर्न बनता है? W जरूर है, आप इसको राउंड मान लो। कौन सा पैटर्न बनता है? यस, दिस इज कप एंड हैंडल, दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर इसका मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूं तो कितना टारगेट निकल के आता है? ये यहां से जब ब्रेकआउट देगा तो क्या नंबर आ रहा है भाई? चलो खुद ही गैस कर लो, ये एक दिन में नहीं आ जाएगा भाई, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा बच के, थोड़ा हट के, ये है बॉम्बे मेरी जान, 48,144 के बाद भाई जो मर्जी हो जाए, BNF एंड CNX ये दोनों बहुत जल्दी अपने ATH के ऊपर जा रहे हैं, इतना मुझे पता है। ये जो हाई मारा था ना, इसके ऊपर जा रहे हैं बहुत जल्दी, मेरे को डेफिनेटली पता है। क्यों? डाउ थ्योरी भी बोलती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सो डाउ थ्योरी क्या बोलती है? बुलिश ATH मारना चाहिए, प्लस ज्ञानपा जी क्या बोलते हैं? फ्राइडे तक हाई टूटना चाहिए, ठीक है, प्लस फिबोनाची ऊपर के टारगेट आ गए, प्लस और क्या प्लस है? डाउ गैन फीबो प्लस चार्ट पैटर्न जो डेवलप हो रहा है कप एंड हैंडल का, वो भी बोल रहा है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, प्लस एलियट वेव बोल रही है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सो मल्टीपल कंफर्मेशन है कि मार्केट को बुलिश होना चाहिए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, बायस कुछ भी हो आपको लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो लेवल्स की बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के लेवल जो है वो निकल के आ रहे हैं। यहां पर आ जाते हैं और लेवल्स की बात करते हैं। सपोर्ट तो भाई लिया है इसने, यहां से इधर में थोड़ा सा रह गया। देखो ये चांस है कि अगर ये थोड़ा सा रह गया और ये नीचे आना चाहता है तो ये 50% मैक्सिमम है जहां तक आना चाहिए, 256 का जो लेवल। यहां पर अगर आपको मार्केट मिलती है ना गाइस, ज्यादा नहीं है 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब बोलोगे 150 पॉइंट बहुत होते हैं, लेकिन भाई पोजिशनल ट्रेड के लिए कुछ नहीं होते हैं। 150 मतलब 45,100 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। टारगेट होंगे 46,300, ठीक है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और वो ये ऊपर ही जानी चाहिए मार्केट। कल के दिन गैप डाउन होता हुआ दिख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन मार्केट अगर यहां से ऐसे जाती भी ना तो 46,300 के ही टारगेट निकल के आते हैं। मुझे ऊपर की तरफ ही मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है, हाँ मेरे को ऊपर की तरफ की दिख रही है भाई मार्केट।
है, आज मैंने जीरो हीरो भी इसी वजह से लिया है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इसको करते हैं ट्रेड, छोटे चार्ट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। यहाँ पर मुझे हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव जरूर है, ये क्या ये ऐसा कुछ कर सकता है? देखो मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है, मतलब ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है तो समझ लेंगे कि मार्केट बेरिशनेस क्रिएट कर रही है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, मोटा मोटा 45,200 का लेवल है, वो नहीं टूटना चाहिए, तब तक मार्केट इज बाय ऑन डिप्स इटसेल्फ और सारे के सारे बुलिश लेवल जो है वो तब बिल्कुल दमे आ रहे हैं। अगर ये टूटता है तो मार्केट सीधा 44,950 तक की तरफ जाने की कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए तो मार्केट बुलिश ही लग रही है मुझे, लेकिन ये पैटर्न डेवलप हो रहा है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि भाई ये बन रहा है, देखो आपके सामने, ऐसा नहीं कि सारे बुलिशनेस ही दिखा रहे, बेरिश भी है। 21 मिनट पे कुछ नहीं है, 15 मिनट पे कुछ नहीं है, 5 मिनट पे भी कुछ नहीं है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ जरूर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसका जो एंट्री पॉइंट था वो ये लगता है मुझे, और जो टारगेट लगते हैं वो लगते हैं, पहला टारगेट तो ये है जो आ चुका है, ठीक है, ये इसका इमीडिएट टारगेट था, और दूसरा टारगेट है इसका ये वाला रेजिस्टेंस का पॉइंट, और थर्ड टारगेट इज दिस। सो मार्केट इसको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकल सकता है प्रॉब्ली, ठीक है, नहीं आरडीसी भी नहीं है, ये ईडब्ल्यू पैटर्न लग रहा है, हो सकता है आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिल जाए, बट एक ही दिन में इतनी बड़ी रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि रिकवर कर जाएगा यहाँ से प्रॉब्ली, ठीक है। चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको डेली के चार्ट के ऊपर मैं डीबी लगाऊं, इसके हिसाब से इसको बोलिंजर बैंड के मिड बैंड को टच करना चाहिए, क्योंकि बाहर आया तो बोलिंजर बैंड के ऊपर आना चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज आना चाहिए इसको, यहाँ पर बहुत सिचुएशन आता है, ठीक है। एक जो तीसरी चीज है जिसका हम फायदा उठा नहीं सके, ठीक है, उठा नहीं सके, कुछ लोग उठा पाए, क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं 13 कैंडल के बाद में अपना काम करना शुरू करता हूँ। 10 ईमे के नीचे क्लोजिंग आई है, नेगेटिव है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गाइस देखो 10 ईमे टच हो गई है। मैंने क्या बताया था कि 15 से 17 कैंडल लगती हैं सेकंड रैली के अंदर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये इलेवेंथ। नॉर्मली क्या होता है, मैं 13th कैंडल से पोजिशन बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है, ऐसा थोड़ा रेयर होता है कि 12वीं कैंडल टच कर दे, 11वीं 12वीं ऊपर ही बनती है, ठीक है, 13 कैंडल से मैं बेरिश पोजीशन बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि 13th कैंडल इसने इसका वो पूरा ही कर दिया टच, वो और रैली में गई नहीं, तो इस बार जो 10 का दम है, 10 का दम जो हमारी स्ट्रेटजी है जो हम कभी कभी यूज करते हैं जब भी ये बनती है, मेरे कुमार थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, 10 का दम वो हम नहीं कर पाए, बेनिफिट नहीं ले पाए, लेकिन हाँ क्या हमारी स्ट्रैटेजी काम की, स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है कि बिना इसको छुए नहीं जा सकती ऊपर, तो छू लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो निफ्टी ने भी 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया, बैंक निफ्टी ने भी 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया, एनी क्लोजिंग अबव दिस विल बी एन एडिशनल सिग्नेचर दैट मार्केट इज बुलिश और मार्केट एक गैप अप देने की कोशिश कर सकती है। अक्सर देखोगे ना आप, जब जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना 10 ईएमए के ऊपर, एक गैप अप होता हुआ दिखाई दिया, देखो यहाँ पर क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, ठीक है। जब जब 10 ईएमए की ऊपर क्लोजिंग करती है ना, ये नीचे से ऊपर, ये देखो ये क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, ये क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, अक्सर जब जब ये मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज करती है, ये देखो ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, ये उसके ऊपर क्लोज हो गई, अगले दिन गैप अप हुआ, ठीक है, जब जब ऐसा होता है, ये देखो मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, 10 ईएमए गैप अप हुआ, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करके देखना, इसकी भी एक्यूरेसी परसेंटेज आपको काफी मिलेगी। दिस इज एडिशनल कॉन्फर्मेशन व्हेन यू आर टेकिंग अ बीटीएसटी ट्रेड कि मार्केट जब भी 10 नीचे से ऊपर की तरफ 10 ईएमए के ऊपर क्लोज करती है ना, तो बीटीएसटी के रूप में एक गैप अप देती है आपको, तो उसका ख्याल आप रख सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आ रही होगी इन्फॉर्मेशन। चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको लेवल्स बना के देता हूँ जो लेवल्स आपके कल काम आने वाले।
या आपके सामने ही बना लें। ओके, लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर बन के आ चुके हैं गाइज, ये लेवल रहेंगे आपके कल के लिए। आपके जो न्यूट्रल लाइन रहने वाली है वो है 19,900 की। अगर मार्केट कोई 5 मिनट की कैंडल आपको 19,967 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है, बाय कीजिए। 20,024 आपका पहला टारगेट, 20,082 आपका दूसरा टारगेट, और 20,144 आपका 141 आपका लास्ट टारगेट ऊपर की तरफ रहने वाला है। 19,848 और 19,793 आपका नीचे की लेवल रहेगा गाइस। कल का दिन जो है एस्टोवाइज साइडवेज टू वॉलेटाइल है, दैट मींस मार्केट में आपको एक मोमेंटम जरूर मिलेगा। कुछ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज जरूर होगी, लेकिन मार्केट में आपको एक तरफा मोमेंटम मिलने के भी चांसेस हैं। अगर मार्केट गैप अप होती है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, कुछ मत करना, 19,967 के तोड़ने का इंतजार करना। अगर मार्केट बिना गैप पर है इसके ऊपर क्लोज करती है, बाय कीजिए इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये हाई, यहाँ पर मार्केट थोड़े दिन रुकनी चाहिए, एकदम से नहीं तोड़नी चाहिए, और उसके बाद में मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ एक लास्टिंग मूव क्लोजिंग के टाइम पर इसके ऊपर एक ब्लास्टिंग मूव दे सकती है गैप फिल करने के लिए। जिस तरीके से मार्केट गिरी उसी तरीके से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये सारे के सारे इंडेक्स रेंज के लेवल है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, चेक कर सकते हैं। 45,447 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 45,583 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 5 मिनट की कोई कैंडल अगर 45,712 ये मेन लेवल रहेगा, इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो एक ब्लास्टिंग मोमेंटम यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि मार्केट 44,000 के ऊपर ना रुके और सीधा ही 45,975 के पास जाती भी आपको दिखाई दे, तो बुलिश मोमेंटम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि कल आपको देखने ही मिलेगी। नॉट ओनली ऑन थर्सडे बट बैंक निफ्टी में मैं फ्राइडे के अंदर भी बहुत अच्छी मोमेंटम जो है एंटिसिपेट करके चल रहा हूं। तो ये दोनों लेवल आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आप देखकर यूज कर सकते हो। अगर बात करें हम कल गैन टाइम की, वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ मेरी एक्सेल शीट की फाइल कहाँ है, ये रही, और कल की डेट रहेगी 21st। ओके, यहाँ पर हमारी जो कल के लिए टाइमिंग रहने वाली है बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, और वो टाइमिंग रहने वाली है 11:31 11:30 ही लगा लेते हैं, और 1:32 1:32 गए हम कैसे ले सकते हैं, 13:30 ले लेते हैं। चलो ये दो टाइमिंग रहने वाली है गाइस, वन इज 11:31 का टाइम है, तो 11:30 से शुरू हो जाना चाहिए, और 1:32 का टाइम है, वहां से भी शुरू हो जाना चाहिए। मार्केट में ओपनिंग आपको ग्रीन मिल सकती है, परफेक्ट। ये दो ही टाइमिंग बनते हैं कल 21 तारीख के लिए। आज 21 तो नहीं है ना, कल है ना 21, कल के लिए मिलते हैं, और ये गैन टाइम आपको काम आ सकते हैं। चलो रिचुअल को आगे बढ़ाते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर आपने कौन से स्टॉक्स थे जिनके बारे में पूछने की चेष्टा की। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नया शीट खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। शीट मैंने खोल ली है तो उसको हटा देते हैं। रिलायंस ने देखो यहीं से बाउंस लिया गया, इसमें क्या बोला था, गोल्डन पॉकेट के आसपास आ गया, बाय बनता है रिलायंस। और HDFC बैंक ने तो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के इसके नीचे ही कर दिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को यहाँ से उड़ जाना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक भी उठ जाए कल खिजाक से कल गया। अगर मैं आपका व्यू देखता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मेनी कमेंट्स ऑन विच स्टॉक्स यू वुड लाइक टू ज्वाइन। हैप्पी गणेश चतुर्थी, विक्रम बोलते हैं फर्स्ट वन टू लाइक, आशुतोष मिश्रा थैंक यू सो मच, आई बिलीव इन यू सर थैंक यू सो मच मेरे भाई। गुरु जी ज्ञान रूल होगा क्या अकम्प्लिश, देखते हैं सर, फ्राइडे तक रुक जाओ पता लग जाएगा। यूको बैंक का कुछ बता देंगे, चलो यार यूको बैंक बता देंगे। और क्या पूछा है अशोक लेलैंड, राजेश जी बोलते हैं अशोक लेलैंड शॉर्ट टर्म का व्यू, ओके यूको बैंक और अशोक लेलैंड, ओके एंड बजाज ऑटो, सुयोग बजाज ऑटो, ठीक है। चलो दो बताता हूँ। चलो तीन पूछे, सबसे पहले हम कर लेते हैं यूको बैंक की अगर हम बात करें क्या बोल रहा है यूको बैंक। बहुत अच्छा भागा यूको बैंक,
मंथली के ऊपर देख लूं मैं एक बार, हो क्या रहा है, ब्रेकआउट दिया इसने, ओके। वीकली के ऊपर भी ये बुलिश है एक तरीके से, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। वाहेगुरु दिसंबर डेली पे ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट दिया है इसका, थोड़ा बहुत यहां से टारगेट निकालूं अगर मैं तो, टारगेट हो चुका है गाइस, ठीक है। ये लाल कैंडल बनने का कारण ही है, यहां से लेके यहां तक का जो साइज है देखे तो उसका पूरा टारगेट हो गया 47 रुपीज का। अपने हाल पे इसको छोड़ दो, ठीक है। एक और रीजन है इसका, जो वेव बनी है ये वाली, ये ए बी सी वेव बनाई है इसने, ठीक है। उसके हिसाब से भी डबल कंफर्मेशन था इसका और उसके हिसाब से इसने टारगेट इसका पूरा दिया, तो इसके अंदर अभी कोई पोजीशन नहीं बनती है, ठीक है। यूको बैंक हो गया। दूसरा दूसरा क्या पूछा था भाई, मेरे भाई मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, इसने पूछा था भाई अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड बादाम लाल है भाई, ये तो बहुत कंसोलिडेशन चल रही है, टॉप जैसी कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। और एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है, अगर मैं दिखाऊं ना, ये देखो ये सिमिलर पैटर्न बना था, यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न बना था, ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस बार ना सस्टेन नहीं कर पा रहा, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। एक बार फटाफट चल के देख लेते हैं कि फिबोनाची के पास इसकी कोई दवाई है क्या, यहां से लो से हाई मगर मैच करते हैं तो दवाई क्या बोलती है, मार्केट रुक रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, 38% से बाउंस मारा है इसने। ओवरऑल इसको देखें तो इसको एक बार दोबारा इस लेवल की तरफ आना चाहिए, अगर ये गिरना भी है तो एक बार 191 की तरफ आना चाहिए, उसके बाद में गिरना चाहिए। फिलहाल तो ये 38% से सपोर्ट ले रहा है, और कोई यहां पर 30th August कोई सेटअप बनता दिख नहीं रहा मुझे, यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस हो और फॉलिंग वेज हो, August 20th, 20th of September मैंने सितंबर तो इसको चलना चाहिए थोड़ा सा ना, यहां पर डाइवर्जेंस चेक कर लेते हैं, मेरा शक ना सही है, क्यों है गाइस देखो, बेसिकली ऐसा कुछ होना रहा है, ऐसे बनाना, एक पैटर्न होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, ये वैसी सी कंस्ट्रक्शन बना रहा था और मुझे लगा बुलिश डाइवर्जन होने चाहिए। बुलिश डाइवर्जन कैसे, यहां पर अगर देखोगे तो प्राइस लोअर लो की संरचना कर रहा है, नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन यहां पर RSI हायर हाई बना रहा है, दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ बुलिश डाइवर्जन, जिसकी वजह से मार्केट ने ये रैली दी थी। अब यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, तोड़ के ऊपर निकलता है तो आपको दोबारा से ये वाला लेवल आता हुआ दिखाई देगा, 192-196 तक के लेवल इसके देखने को आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आपकी ये वाली लाइन तोड़ के तोड़ दे, तो अगर आप उसके लेवल निकालने की कोशिश करो, चेष्टा करते हो, तो आपका जो एक लेवल बनता है ये वाला, अगर 185 के लेवल को तोड़ता है तो ये 197 तक के लेवल के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ भी आता तो यहाँ पर दोबारा से सपोर्ट ले सकता है, सेल साइड की ट्रेड बनती नहीं है, स्कैल्पिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बजाज ऑटो, क्या बजाज ऑटो में कुछ पता नहीं है, ये देख लो दादी, चलो मैं आपको ना दिखा देता हूँ, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर क्लोज करता तो और ऊपर जाएगा बजाज, मुझे क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो मैं बैठने लगा था, क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे, मैं आपको बजाज ऑटो दिखाता हूँ।
हमारे स्विंग ट्रेड है गाइस ये, और हमारे वीआईपी मेंबर्स को मैंने दे रखी है। इसका ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है, ये टॉप के ऊपर ना एम बना रहा है, ऑलमोस्ट 99% टारगेट इसने डन कर दिया। क्या कितने पैसे देखे गए यहां से लेकर मैं इसका हाई जहां तक इसने टारगेट दिया है 582 पॉइंट्स दिए। कितने दिनों के अंदर? 9 दिनों के अंदर, इन 9 डेज बजाज ऑटो हैज गिवन 582 पॉइंट्स। आई डोंट थिंक सो इट्स लेस गाइस। एक ट्रेड से ही आपकी वीआईपी मेंबरशिप का खर्चा आराम से निकल गया हो जो मेंबर्स का है, और ये काफी अच्छा गया है, ठीक है, काफी अच्छा। और इकलौता नहीं है, बहुत सारे और भी ट्रेड्स हैं, आपको मैसेज आते रहते हैं जो जिस तरीके से टारगेट जाते हैं, कोटक का फर्स्ट टारगेट आ गया या एक्सिस का फर्स्ट टारगेट आ गया, वैसे ही बजाज ऑटो ने मस्त तरीके से ट्रेड दिया है। तो अगर आप मुझसे आप पूछोगे बजाज इसका क्या व्यू है, मेरे हिसाब से तो गाइस देखो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इसके अंदर। अगर ये एम बना देता है, इसको कल तोड़ देता है और नीचे की तरफ आता है तो यहां तक आ जाएगा, वरना इसका टारगेट अभी पेंडिंग है 5301 का। कल गैप अप होता है तो मुझे लगता है ये अपना गैप अप के आसपास अपना टारगेट देने के बाद में नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि गिरना तो है और ये गिरेगा क्योंकि ये गैप छोड़ के गया, ये गैप छोड़ के गया। जैसे एलटी गिरा ना वैसे ये भी गिरेगा, एलटी भी ऐसे ही भागा था, ये भी ऐसे ही भागा है, एलटी ने भी गैप छोड़ा था, वो भी ये भी गैप छोड़ के गए, एलटी भी गिरा है, ये भी गिरेगा लेकिन ये टारगेट देने के बाद, ठीक है। तो मेरा व्यू ये रहने वाला है। तो गाइस ये था एनालिसिस, आई होप यू लाइक्ड इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्काउंटेड सीट्स का आज लास्ट दिन है, बुक योर सीट एंड लर्न फ्रॉम द बेसिक। क्या क्या सीखने को मिलेगा? बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर आप सीख सकते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट से लेकर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया, अलॉन्ग विद माय पर्सनल स्ट्रेटजीज। सारी की सारी स्ट्रेटजीज मेंशन है यहां पर, जो आपको आने वाले टाइम में ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर, इक्विटी, स्विंग, कमोडिटी, फॉरेक्स, कहीं पे भी ट्रेड करना चाहते हो बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, और विल हेल्प यू टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। और ये सब कुछ मिलने वाला है आपको आपके कंफर्ट ऑफ योर होम, आपको कहीं आने या जाने की जरूरत नहीं है। जूम के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस होंगी 12 दिनों की फॉर 12 डेज फ्रॉम 8 PM टू 9 PM। इट डजंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ will be there, so you'll be able to understand everything that we're doing. साथ के साथ में you will be getting few bonus strategies such as Godzilla, advanced Fibonacci and GAN level prediction, how to identify trendy dates, days, times of reversal, every single thing, along with 2 months of support and mentorship and 2 months of student exclusive group membership. ये सब मिलने वाला है आपको। 8 अक्टूबर से वर्कशॉप शुरू है, आज लास्ट दिन है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। हमारा बड़ा बैच नहीं होता, बहुत छोटे बैचेस में करता हूँ, ज्यादा 20 से 25 लोग होते हैं हमारे बैच के अंदर, ताकि हर किसी से बात की जा सके। इट्स नॉट अ वन वे बैच गाइस, हम जूम के ऊपर एक दूसरे से बात करते हैं, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड वी कैन वी डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन, ताकि आपकी डाउट क्लियरिंग हो सके। और सेशंस की तरह नहीं होती, अगर आपने कहीं पर अटेंड किया जहां पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग भरे पड़े और एक तरीके से डाउनलोड चल रहा है, यहां पर सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा बैच ज्यादा बड़ा नहीं होता है, यू कैन गो हेड एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड अवेल दी ऑफर, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।